ये भोने और ना मैं खाना बनाना शुरू कर दिया है और बारिश लगी है झमाझम, मज़ा आ रहा है ठीक में भी, क्योंकि अभी थोड़ा काम करके आई है तो हल्का हल्का भीग रही, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों सुबह का टाइम हो गया, यहाँ पे मैंने आलू कट कर दिए हैं आलू के गुटके बनाने के लिए। कढ़ाई में तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया और साथ में मैंने मसाले भिगो दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हो रही है बारिश, यहाँ पे बन रहे हैं मेरे लजीज आलू। तो यहाँ पे चली है बारिश, तो दोस्तों यहाँ पे ना बच्चे आलू खाने बैठ गए थे, यानी कि नाश्ता करने बैठ गए थे, तो यूवी बोला अच्छा हो रहा है तो आई, उसको बहुत पसंद है आलू, यूवी को भी, यूवी कम खाता है, यूवी ना रोटी पराठे ज़्यादा पसंद करता है, तो आई उसको पसंद है ज़्यादातर ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे खा रहे हैं बच्चे नाश्ता, मैं भी कर रही हूँ, ये भी कर रहे हैं और ये गए हैं ड्यूटी, तो नाश्ता करते, नाश्ता ही मैंने बनाया था करंची आलू, बड़े टेस्टी हो रहे थे, करंची टाइप बनाया था और साथ में ना मैंने चाय बनाई हुई थी। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हाँ हम सब भी अच्छे। तो दोस्तों यहाँ लगी है झमाझम बारिश, तो मेरा ना सुबह 11 बजे से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है, तो दोस्तों बड़ी अच्छी बारिश लगी हुई है बाहर, कहने का मतलब है रात भर भी बारिश थी और सुबह से भी बारिश थी, तो छुट्टी भी थी बच्चों की स्कूल की, तो मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का सुंदर सा मौसम। तो यहाँ पे चल रही है हल्की हल्की बारिश, चल रही है हल्की हल्की, और अब ना अपने काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पे देखो यूवी कितना काम कर रहा है मेरे लिए, ना लहसुन छिल रहा है, आयुष नहीं करता है ना काम, यूवी लहसुन छिल रहा है क्योंकि आज मैं बना रही हूँ, यूवी बोल रहा है ना मम्मा क्या बनाओ, भटकी चुड़कानी, इनका बच गया भोने और ना मैं खाना बनाना शुरू कर दिया है और बारिश लगी है झमाझम, मज़ा आ रहा है ठीक में भी, क्योंकि अभी थोड़ा काम करके आई किचन के काम करके आई हूँ, तो गर्म जैसा हो रहा है, तो हल्का हल्का भीग रही, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, हमारा जम बारिश नहीं यहाँ बुखार आ जाएगा, मुझे तो नहीं हफ्ते में घूम से बुखार। तो दोस्तों आप चलते हैं अंदर, अच्छा लग रहा थोड़ा भीग के। तो दोस्तों खाना वगैरह बन गया, खाने में मैंने बना रखा है भटकी चुड़कानी, क्योंकि मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, तो इस वजह से ना भटकी चुड़कानी खाने का मन हो रहा था, तो भटकी चुड़कानी बनाई है और चावल भी बना दिया, तो ये आने वाले खाने के लिए, तो उसके बाद ना हम लोग खाना खाएंगे। तो बज गया 1:30 बजे तक शुरू कर देंगे खाना, क्योंकि आ जाएंगे, आ रहा हूँ बोल रहे थे, मैंने फ़ोन किया ना तो बोल रहे थे आ रहा हूँ, और आयुष का यहाँ पर बनना है प्रोजेक्ट दिखाना, तो थोड़ा प्रोजेक्ट ये बना है, ये तो एक लेयर निकल भी गई, ये बैक साइड फ्रंट साइड, तो ये बन रहा है एक प्रोजेक्ट ये बन रहा है, पता नहीं कब तक बनेगा इसका प्रोजेक्ट, और अभी यहाँ पे तैयारियाँ हो रही है प्रोजेक्ट की, और तो आयुष सुबह से ना इसी काम पे लगा है, नाश्ता करने के बाद इसी काम पे लगा हुआ है, और अब हम लोग खाना खा लेते हैं, ये आ जाएंगे उसके बाद खा लेते हैं, तब तक मैं खाना परोसती हूँ। तो दोस्तों खाना वगैरह खा लिया, 2 बज गया है दिन का और खाना वगैरह खा लिया, खाना मैंने बनाया था भटकी चुड़कानी और चावल बनाया था, तो सुबह से रिमझिम बारिश लगी हुई है, अच्छा लग रहा है मौसम, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा ठंड भी हो रही है और मतलब जैसे गर्म से थोड़ा राहत मिल रही है और बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है, बारिश में ही आ रही है, आज मैं बार बार ब्लॉग बनाने क्योंकि अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का भीग के अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों शाम का बज गया है 5 और अभी भी ना बारिश लगी है, दिन में बीच में थोड़ा सा भर लगी थी बारिश और अभी फिर से लगी है बारिश, दिन में से तो दिन भर आज बारिश ही है, तो आज मतलब छुट्टी जो हुई ना वो सही हुई है, क्योंकि बारिश हो चुकी है, बारिश दिन भर लग गई है, और अब अंदर जाके ना हम चाय बनाते हैं, क्योंकि ना ये भी ड्यूटी से आ जाएंगे, तो हम दोनों साथ में चाय देंगे, अंदर जाके चाय बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आयुष का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, इतना बन चुका है, इतनी बिल्डिंगें बना दी है इसने, ये सुबह से आज इसी काम पे लगा हुआ है, बाकी अभी तो बहुत काम है इसमें ना आयुष, अभी बहुत सात बिल्डिंग बनाने हैं, तो ये बन रही है, 3 बिल्डिंग तो बन गई है, अभी 4 बिल्डिंग और बनानी है, अच्छा लग रहा है। 4, 5, 6। तो दोस्तों आयुष को यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट का सामान लेने, और आयुष ने ना इसमें सोफे में बैठ बैठ के सोफे की कवर कहाँ पहुँचा दी बताने, सोफे के, हाँ नहीं सॉरी, क्या किस चीज का सामान लेने जाना है, प्रोजेक्ट का सामान लेने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जा रहे हैं आयुष और ये यूवी धक्का लगा रहा है, मार्केट जा रहे हैं, क्या सामान लेने जा रहे हो, प्रोजेक्ट का, सॉरी यार मैं भूल जाती हूँ यार बार बार, आयुष के लिए 2 बार बता दिया, तीसरी बार पूछ रहे हो, भूल जाती हूँ ना, तो प्रोजेक्ट का सामान लेने जा रहे हैं पप्पा जी, पप्पा जी बेटा जी,
फिसला अरे परसों वो हाँ बीच में हाँ वो एक गली में कीचड़ हो रहा था ना तो सुनो तो एक मेरी बात सुनो एक गली में कीचड़ हो रहा था स्कूटी रपटने से अच्छा मैंने अपने पैर नीचे रखे बच गई वरना मैं रपटती स्कूटी भी गिरती और यूवी भी गिरता यूवी भी था मेरे साथ गली में हाँ तो पैरों में पूरा कीचड़ लग गया मेरे यूवी भी कह रहा मैं भी आ रहा पापा जा रहे मैं नहीं जा रही हूँ ना बेटा अरे आ जा यूवी आ जा पापा बुला रहे बाहर जाके खुश हो गया गुस्से से अंदर को गया था खुश हल्द्वानी का मौसम दिखाती हूँ आपको और यहाँ से देखिए ना पहाड़ कितने प्यारे लग रहे पे आयुष ले आया है सामान अपने पापा के साथ जाके क्या है ये एलईडी लाइट ये वाली तो इस इसमें तो जोड़नी है तार में ये वाले एक तार थी भी इतना सा बैटरी एलईडी बल्ब तो यहाँ पे आयुष जोड़ है कैसा हो रहा है यूवी कैसा हो रहा है आयुष कैसा हो रहा है तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बनाया है बैगन का भरता क्या हुआ ये बैगन का भरता रोटी दही खाओ और आयुष ने सारा तामझाम ऐसे फैला रखा है बताओ मैं दिन भर सही मतलब मैं ना दिन भर में 4-5 बार सही कर देती हूँ पूरा सोफा खा लिया तो आज के ब्लॉग इतना ही रखती हूँ उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ज्यादा शेयर करना चैनल भी नहीं तो सब्सक्राइब करना मेरा कहना थैंक यू बाय।